अब तक आपने देखा जानकी ने मिलाया हाथ साहिब जी के साथ और अर्जुन के पिता को मोहरा बनाकर चांदनी का करवाया गृह प्रवेश। अपनी पत्नी और अपने बेटे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं, आपकी बेटी यहीं रहेगी। गुरु हम तो कह रहे हैं चांस दे दीजिए भाभी जी को, कसम लवली की बता रहा है तुमको। तुम पहाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी लवली। अरे भैया बोल तो सर, तुझे हमारी वजह से सब कुछ हुआ। अरे आओ दूल्हे राजा। तो शुरू करें। वैसे रसम तो सभी को पता है, लेकिन इन्हें एक बार बता देते हैं। देखो ये है अंगूठी, ये अंगूठी मैं इस दूध में डालूंगी और छोड़ दूंगी। तुम दोनों में से जो भी इसे पकड़ेगा उसी का राज इस रिश्ते में चलेगा, समझे? डालू? तो एक दो तीन। वाह से डर गए थे इसलिए पीछे हट गए ना। अरे सुलक्षणा जी क्या बात है, दूल्हे ने तो अभी से घुटने टेक दिए दुल्हन के सामने, अब इस घर में सास का नहीं बहू का राज चलेगा। अरे आंटी जी मुकाबला भी बाकी है। अरे भैया हार ना नहीं, अब तुमको दोस्त की कसम है हमारी, अब देखिए आप। अरे अर्जुन क्या कर रहे हो, अपनी मोहल्ले की इज्जत का सवाल है, हारना मत। ठीक है 1 2 3। सॉरी जी। देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता। जीत गए, अब देखना इस घर में होगी जम के लड़ाई। कभी दूल्हा जीतेगा तो कभी दुल्हन। इस घर में दोनों कभी नहीं हारेंगे। हर रसम में मेरी माँ की विकेट ही गिराने वाली हो तुम, हाँ?
कोई बात नहीं बेटा, होता रहे, गलती होती है ना सबसे। खत्म हो गई रस्म। हाँ चलो चलो चलो, अब सब अपने अपने घर पे चलते हैं ना। आज तो मजा ही आ गया। मम्मी का चेहरा देखने लायक था, वीडियो बनाना चाहिए था। तो चांदनी, ये रहा तुम्हारा कमरा, यानी कि अर्जुन का कमरा, लेकिन आज से तुम दोनों का कमरा। क्या क्या करना पड़ा हमें आज, थक गए हैं हम, बस अब शांति से कुछ देर सोना चाहते हैं। अरे क्या हुआ चांदनी, आओ ना आओ। चलो तुम्हें पता है आज की बस एक ही रस्म बाकी रह गई है। पूछो कौन सी? सुहागरात की रस्म। चलो आओ, ये देखो तुम्हारा रूम। अरे हंस क्या रही है, आओ ना बहू, आओ आओ चांदनी, आओ आओ। गोपाल को भी हमारा हाँ। सामान अंदर रख। अंदर जगह नहीं है मैम जी। क्या ये क्या है? ये कमरा है? और बाकी का कमरा कहाँ है? बाकी का क्या होता है? हमारा तो बाथरूम भी इससे बड़ा है। हम इस कमरे में रहेंगे? तो तुम्हें इनवाइट किसने किया है इस घर में? ये हमारा कमरा है, हमसे पूछे बिना तुम्हें यहाँ पे कोई वेलकम नहीं करेगा। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो इस घर के दरवाजे खुले हैं, तुम्हें कोई रोक नहीं रहा। रहेंगे तो हम इसी कमरे में, छोटा है पर हम एडजस्ट कर लेंगे। और जल्द ही ना ही इस कमरे का बल्कि इस पूरे घर का नक्शा ही बदल देंगे। पापा से कह देते कि कोई भी एक दीवार तोड़वा दे, है ना, वरना हम हमारा सामान कहाँ रखेंगे और हम कहाँ रहेंगे। गोपाल गोविंद, ये टेबल बाहर फेंक देना। हाँ। और ये अलमारी भी। हाँ, हमारे कपड़े रखने के लिए हमें एक वार्डरोब बनवाना होगा, पापा को अभी इन्फॉर्म कर देते हैं। और हाँ, कल सुबह तक वार्डरोब लग जाना चाहिए। हाँ एक सेकेंड, अगर इस कमरे की एक भी चीज एक भी सेंटीमीटर इधर से उधर की ना, तो तुम दोनों को यहाँ से इतना दूर फेंकेंगे ना कि जिंदगी में कभी उठ नहीं पाओगे। ओ हेलो मैडम, इधर इधर देखो, ये तुम हमारे कमरे में खड़ी हो, ये हमारा घर है, तुम्हारे रिश्वतखोर बाप की कोठी नहीं, जिसकी बुनियाद ही घोटाले के पैसों पर खड़ी हो। वैसे ये कोठी भी तुम्हारे बाप के घोटाले की नहीं बनी है। अरे क्योंकि तुम्हारे पिताजी तो घोटाले करते ही नहीं है ना। हाँ। अब क्या है ना बहू, जो है सो यही है। अब तुम्हारी शादी इससे हुई है तो इसका घर भी तुम्हारा और बेडरूम भी तुम्हारा। अब ये तो नसीब का खेल है ना, और शादी के बाद तो हर लड़की को कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है ना। वो क्या कहते रखे, या जो शेयर्स वो केयर्स। राइट राइट। तो बेटा ये जो भी है अब गुड्स दी नाइट्स, चल चल। हाँ गुड नाइट। हटेंगे आप? हाँ जी मैं। देखो तुम रेवा, रेवा रेवा क्या कर रही है? अरे रेवा रेवा,
चाहता है ना तेरी बहन की शादी ऐसे ना हो, पर एक शर्त है, तुम्हें इस लड़की के साथ शादी करनी पड़ेगी। क्यों गई थी उस दिन पार्क में? कॉलेज ही क्यों गई थी तू? ना घर से बाहर निकलती, ना ये आप बताती सर पर। रेवा, क्या करी थी ये तुम? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? मैं मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपकी पूरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गया। नहीं बेटा, नहीं रेवा गुड़िया, मेरी वजह से। रेवा ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं भैया, यही सच है, ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना वो मेरी वजह से हो रहा है। सब घर में परेशान है, आपको जबरदस्ती शादी करनी पड़ी मेरी वजह से, सब लोग परेशान हो गए घर में। नहीं बेटा, ऐसा कुछ मुझे मर जाना चाहिए ना, जीने का कोई हक नहीं। अरे मुझे मर जाना चाहिए। दोबारा ऐसी बात की ना तो गुड़िया देखो तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना, जो कुछ भी हुआ है ना संस्कार सेना की वजह से हुआ है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना, राजनीति के चपेट में फंस गए हम, हमारा कोई कसूर नहीं है। कुछ भी हुआ है ना संस्कार सेना की वजह से हुआ है, राजनीति के चपेट में फंस गए हम, हमारा कोई कसूर नहीं। चांदनी बिटिया का इतनी देर रात फोन, हेलो या क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? हम ठीक है पापा, वो रेवा, पापा रेवा ने खुदकुशी करने की कोशिश की इस शादी के वजह से, हम जबरदस्ती आ गए ना इस घर में, तो उसे लगता है कि वो जिम्मेदार है सबके लिए। पापा प्लीज, हम यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकते, हम अभी घर वापस आना चाहते हैं। पापा हम किसी की मौत का पाप अपने सिर नहीं जाते पापा, प्लीज पापा। बिटिया आप पहले तो हमें ये बताइए कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं? घर से बाहर हैं क्या? नहीं, हम घर में ही हैं। हाँ तो पहले तो आप कहीं बैठ जाइए शांति से, चिंता मत कीजिए, हम हैं ना आपके पापा, कुछ गलत नहीं होने देंगे। हाँ शांति से बैठ जाइए और हमारी बात को ध्यान से सुनिए, कुछ है जो हम आपको बताना चाहते हैं।
चलिए कोई बात नहीं, हाँ रखते हैं। हे भगवान, किसका दोष किसके माथे पर? अब इन सब में बहू का क्या लेना देना है? सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। अब हम उसे इस घर में रहने नहीं देंगे। हाँ हाँ, ये सब भी आप ही तय करेंगे ना। अर्जुन के तो हम कुछ नहीं लगते। ठीक है ननन जी, हम तो कुछ बोलेंगे भी नहीं। आपके बच्चों पे तो हमारा हक नहीं है। जानकी जी, आप बात को बढ़ाइए मत इस तरह। अरे यहाँ पर क्या हुआ है और आप है कि बस बहुत हो गया। ये सारी मुसीबत की जड़ ये लड़की है ना, ये शादी है ना, तो कल ही हम अपने वकील दोस्त से मिलेंगे और इस लड़की को डिवोर्स दे देंगे, खत्म कर देंगे सारा चैप्टर। अर्जुन, इस लड़की से कह दो कि अपना सामान उठाए और जाए अपने घर। हम इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। देखिए, जो कुछ भी हुआ हमने देखा और सच में हमें बहुत बुरा लगा। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि रेवा ने जो कुछ भी किया उसके लिए सिर्फ हम जिम्मेदार हैं। हम तो खुद ही यहां से चले जाने वाले थे। आखिर कौन अपने सर पर किसी की खुदकुशी की कोशिश का बोझ उठाएगा? अब अगर अकल ठिकाने आ ही गई है तो रुकी किस लिए हो? उठाओ अपना बोरिया बिस्तर। आने वाले थे, पर फिर हमें सच्चाई का पता चला। सच्चाई? क्या पता चला? यही ना कि तुमने और तुम्हारे पापा ने जो नाटक कर। नहीं, ये नाटक हमारे या हमारे पापा का नहीं है, किसी और का है। सच्चाई क्या है कि तुम्हारे परिवार को भी तो पता चले। तो सुनिए, ये शादी, ये सुसाइड, ये सारा ड्रामा करने वाले हमारे पापा नहीं बल्कि तुम हो। तुम और सिर्फ तुम्हारे कहने पे तुम्हारी बहन रेवा। क्या नाप शनाप बोल रही है ये लड़की? देखिए, आप बड़ी है, आपकी फीलिंग समझते हैं हम। इनफैक्ट अभी जो हम कहने वाले हैं उससे सिर्फ आपको ही नहीं बाकी सभी को शॉक लगने वाला है। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हम पूरे परिवार को हर्ट करें, पर आप ही बताइए, हर बात के लिए अगर हमारे पापा को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा तो हम भी क्या करें? तो अर्जुन शर्मा जी, जब से हम मिले हैं तब से हमने आपके आदर्शवादी होने का ड्रामा भी देखा है। आपके हिसाब से आप तो दूध के धुले हुए हैं और हमारे पापा एक रिश्वतखोर लीडर है ना? तो चलिए, आज आपके चेहरे पर से ये झूठा नकाब उतारते हैं। आखिर आपके परिवार को भी तो पता चले कि दिल से, सोच से कौन करप्ट है। तो आप बताएंगे कि आपने आपकी बहन को हमारे पापा के पास क्यों भेजा था?